शारीरिक व मानसिक शक्ति उत्तरोत्तर विकास गरिमा। नौतन के खड्डा स्टेडियम में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का नगर निगम की निवर्तमान सभापति ने किया उद्घाटन। स्टेडियम के दर्शक दीर्घा में बैठे सैकड़ों युवाओं लोगों के साथ खिलाड़ी और आयोजकों का भी बढ़ाया उत्साह। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। नौतन स्थित खड्डा स्टेडियम में आयोजित 7 दिवसीय नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन नगर निगम की निवर्तमान सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने किया। इस मौके पर जमा सैकड़ों दर्शकों की भीड़ में शामिल युवाओं का उन्होंने उत्साह बढ़ाया। श्रीमती सिकारिया ने कहा कि निश्चय ही हर एक युवा के पढ़ने और जीवन को कामयाब बनाने का लक्ष्य होता है। इसमें मैं कहना चाहूँगी कि छात्रों के लिए पढ़ाई और कैरियर बड़ा महत्व है, लेकिन इसके लिए युवक युवती का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होना भी बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं किसी के भी मानसिक और शारीरिक विकास में खेल एक मजबूत माध्यम है। आज के परिवेश में हमारी युवा पीढ़ी खेल के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना कैरियर बना सकती है। श्रीमती सिकारिया ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं में भी खेलने के प्रति ऐसी ललक देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। उल्लेखनीय है कि खड्डा क्रिकेट क्लब के बैनर तले पहली बार खड्डा स्टेडियम में आयोजित नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का संचालन दीपक कुमार ने किया। मैच चनपटिया और पखनाहा के बीच खेला गया। मैच में 80 रन से चनपटिया टीम विजयी रही। स्थानीय मुखिया पुत्र राहुल कुमार ने आगत अतिथियों को माला पहनाकर स्वागत किया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन में हृदय नारायण प्रसाद, रामबाबू पटेल, सन्नी खान, असरफी प्रसाद, वार्ड सदस्य मेहदी इमाम, अनिल कुशवाहा, मुकेश कुमार, रवि कुमार, आदित्य कुमार, रामेश्वर प्रसाद, संजय सोनी, दीपक कुमार, मुनेश्वर प्रसाद आदि का सक्रिय योगदान सराहनीय है। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया की गरिमा और बेतिया के लिए हमारे भावे मेयर प्रत्याशी श्रीमती गरिमा सिकारिया जी हम लोग भी रही और सभी पुजारों को बहुत ही अच्छा उद्देश्य दी कि हाँ आप लोग खेल भाईचारे की तरह खेले। हमारी पहल रखी है, इसमें जरूरी है कि स्वास्थ्य के लिए अपने आप को सतर्क करना और खेल उसका एक बहुत बड़ा माध्यम है, जिसमें आप स्वास्थ्य संवर्धन के साथ साथ अपने आप को विभिन्न चुनौतियों के लिए भी तैयार कर लेते हैं। तो देखा जाए तो खेल खिलाड़ी उसमें बहुत सारी ऐसी क्षमता खेलने के दौरान उत्पन्न हो जाती है, भले देखने के लिए आपको मनोरंजन करने के लिए खेल एक माध्यम है, लेकिन खिलाड़ी जो खेल रहा है वो विभिन्न चुनौतियों के लिए तैयार हो जाता है, उससे एक शारीरिक क्षमता बहुत बढ़ जाती है, साथ ही साथ उसके डिसीजन में भी बहुत बड़ा चेंज आता है। वो किसी भी जगह में किसी भी समय में एक क्विक डिसीजन बोलते हैं कि आज के समय में क्षणिक डिसीजन लेना बहुत बहुत जरूरी भी हो जाता है, वो कला बीच में आ जाती है। तो आपके लिए जितना जरूरी पढ़ना है, जितना जरूरी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसी तरीके से अपनी शारीरिक क्षमता और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए खेल में भी आगे बढ़ना है। तो मैं दोनों खिलाड़ियों को, दोनों टीमों को, दोनों कैप्टन को शुभकामना देती हूँ और चाहूँगी कि बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट में आप अपने खेल प्रतिस्पर्धा संपन्न करें। धन्यवाद।